हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपको अपने हिबिस्कस प्लांट की प्रूनिंग की अपडेट दिखाना चाहती हूं और साथ में कुछ प्लांट मैं और प्रून करने वाली हूं। पहले सोचा था नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूं कर दूं थोड़ा सा, तो प्लांट मेरे और हेल्दी हो जाए और जल्दी से उनकी अच्छी ग्रोथ भी निकल करके आए। ये देखिए मेरा मिनेचर हिबिस्कस है और लगभग 20-25 दिन हो गए इसको प्रून किया है और इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ निकल करके आई है और काफ़ी अच्छा से है। प्रूनिंग के बाद एक बार आप फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर कर दीजिए। फंगीसाइड का भी कर दीजिए और 2-4 दिन के बाद इंसेक्टिसाइड का भी कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी न्यू ग्रोथ आपके प्लांट की निकल करके आएगी उसमें कोई फंगस या फिर कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा, उससे आपके प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहेगा। उसके बाद देखिए ये देसी वाले हैं मेरे, इसमें डबल लेयर के फूल आते हैं, थोड़ा पिंकिश रेड रेड से कलर, और ये प्योर रेड कलर है। इसमें भी डबल पेटल का मतलब थोड़ा अलग टाइप का फूल आता है, आप लोगों ने देखा है मेरे गार्डन में। देखिए कलियां भी बननी स्टार्ट हो गई प्रूनिंग के बाद इसमें तो। और एक मेरा पर्पल हिबिस्कस है, ये देखिए इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल करके आ गई है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर देखिए टिकोमा को भी मैंने प्रून कर दिया था, उनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी निकल करके आ रही है और मैंने खाद अभी 3-4 दिन पहले ही इनको दिया, पहले से दिया नहीं था, नहीं तो और ज़्यादा ही अच्छे हो जाते। पर्पल हिबिस्कस की इसकी थोड़ी सी ग्रोथ ख़राब है, तो मैं थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग इसकी कर दूँगी और इसको अच्छे से फिर फर्टिलाइज़र वगैरह दे दूँगी। तो ऊपर ऊपर की थोड़ी थोड़ी टिप हम कट कर देंगे ताकि इसमें न्यू ग्रोथ हो। वैसे मैंने कट किया था लेकिन मैंने इसको विंटर में प्रून किया था, तो विंटर में प्रून किया था इस वजह से ये ग्रोथ तो कर लिया था, लेकिन अभी देखिए थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है इसमें, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो ये देखिए इस तरह से, और मैंने उल्टा हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, मतलब दाहिने हाथ पे कैमरा पकड़ा है और बाएं हाथ से कर रही हूँ तो बन नहीं रहा है, और धूप भी तेज़ है तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ पर। और देखिए थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग हम इसकी ट्रिमिंग थोड़ी थोड़ी कर देंगे तो इसमें न्यू ग्रोथ अच्छे से होगी। उसके बाद हम इसको फर्टिलाइज़र दे देंगे। फर्टिलाइज़र तो मैंने बताया हुआ है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, इस तरह से आप फर्टिलाइज़र इनको दीजिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपके गार्डन में फिर मिलेगा। इधर देखिए मैंने इनकी भी प्रूनिंग नहीं की थी, इस प्लांट की प्रूनिंग कर रही थी। देखिए इसमें देखिए कितनी सारी न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है, ये मेरा येलो कलर का हिबिस्कस है। और एक प्लांट की मैं और एक क्या सभी की लगभग थोड़ी थोड़ी मैं ट्रिमिंग करने वाली हूँ। तो ये देखिए नीचे से इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही, तो हम यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं। ये देखिए इतनी इतनी ब्रांच मैंने कट कर ली और इनकी मैं कटिंग भी लगा दूँगी, कटिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ से देखिए, ये देखिए जहाँ से इसमें ब्रांच खाली है ना, थोड़ा सा मोटी ब्रांच मेरे प्रूनर से कटती नहीं। ये देखिए उस समय कलियां बहुत सारी आ रही थी इसलिए मैंने नहीं किया, नहीं तो 20 दिन में बहुत अच्छे से प्लांट हो जाते। मुझे प्लांट का जो शेप है थोड़ा हाइट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए मैं इनकी ट्रिमिंग इस तरह से कर देती हूँ। ये देखिए ये रेड वाला है, इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगी, इसकी प्रूनिंग मैं बाद में फिर से मतलब समर के बाद करूँगी, रेनी सीजन में। अभी इसको खिलने देंगे, अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है और फ्लावरिंग भी है, थोड़ी सी पत्तियाँ लाइट ग्रीन हो रही हैं, तो उसके लिए हम दे देंगे इसको कोई फर्टिलाइज़र। इसमें देखिए ऊपर ग्रोथ बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन नीचे से भी ग्रोथ काफ़ी निकल रही है, नीचे से भी फूल देखिए इसमें बनते रहते हैं। तो मैं इसकी जो ऊपर ऊपर की ब्रांच है ना उनको कट कर दूंगी। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा अच्छे से कटा नहीं है, ये देखिए यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से कट कर देंगे जहाँ से ये ब्रांच निकल रही है, यहाँ से कट कर दिया। और उसके बाद यहाँ से कट कर दिया, तो ये प्लांट का शेप हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसकी मैं कटिंग लगा दूँगी। लग जाएगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, प्लांट हमारा शेप में आना चाहिए। ये देखिए ये कितना ज़्यादा खूबसूरत, अभी ये जब ग्रोथ कर लेगा ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ से इस तरह से कट कर दिया, अब इसकी देखिए इसकी भी ग्रोथ इसी तरह से है, तो इसको भी हम कहीं से तो कट कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ से देखिए ये कट कर दिया, ये नीचे से बढ़ेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा प्लांट हमारा। अब इसमें तो ग्रोथ नहीं है, इसको रहने देते हैं इसको साइड से। तो ये देखिए इसकी भी हमने इस तरह से प्रूनिंग कर दी। ये देखिए अब ये छोटी छोटी हाइट में देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेंगे प्लांट, और कुछ सितंबर की कटिंग वाले प्लांट है तो इनको मैं अभी अब नहीं करूँगी, इनको थोड़ा सा बढ़ने दूँगी अभी। और अभी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, देखिए कितनी सारी ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं,
इनको छोड़ देते हैं और इसकी थोड़ी सी मैं कर देती हूँ ऊपर ऊपर की ट्रिमिंग। थोड़ा और पहले कर देना था, मैंने गलती कर दी, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ मौसम ठंडा ही है, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है और अभी अच्छे से ग्रोथ कर लेगा। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करने से क्या होता है, प्लांट भी हमारा अच्छे शेप में आ जाता है। सॉरी, मैंने कुछ दूसरी ब्रांच कट कर दी उसकी, पर कोई नहीं, ये लेकिन मैंने गलती से कट कर दिया, मुझे ध्यान ही नहीं था कि पीछे ब्रांच है। सामने से ये डेड हेड वाला, मतलब ये थोड़ा सा ख़राब पार्ट था, उसे कट कर रही थी तो दूसरी ब्रांच भी कट गई, लेकिन कोई नहीं, ठीक है ये सब। और इसको तो अब सोच रही हैं इसको रहने देती हूँ, क्योंकि एक बार मैं इसकी प्रूनिंग कर चुकी हूँ। तो बस फ्रेंड्स, इतनी में हमने प्रूनिंग कर ली है और आपको ग्रोथ भी दिखा दी, अपडेट भी दिखा दी किस तरह से, मतलब ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सुंदर ये प्लांट दिखने वाले हैं। बस थोड़ा थोड़ा इनको फर्टिलाइज़र देना है, फर्टिलाइज़र मैं दे चुकी हूँ, इनमें गोबर की खाद मैंने दी है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर नीम की खली और गोबर की खाद मैं दे चुकी हूँ इसमें। और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा घना हो जाएगा प्लांट, और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, तो बस इसीलिए मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी है। और यही टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है, मतलब अभी का टाइम है जो रेनी सीजन है, और या तो फरवरी का जो टाइम होता है परमानेंट प्लांट की प्रूनिंग के लिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।